देखो मैं विकी थॉमस से कोई निजी टिप्पणी करनी जरूरी या उस बंदे नू मैं इन्ना समझदा नहीं कि उससे कोई निजी टिप्पणी की जाए। असीं देखते हाँ कदे तो वह एक LGBT कम्युनिटी के व्यक्ति धोखा दे के उन्होंने विआह करा लैंदा, कदे हिंदू बन जाता, कदे क्रिश्चन बन जाता, हुण वह सिख बन गया। जिहड़े शख्स ने यह मिलते हैं कि झटके की मर्यादा उत्थे हैगी आ। सिख सिर्फ झटके का ही मांस खाएगा। द पंजाब TV देख रहे सारे ही दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप एक बहुत ही विवादपूर्ण मसले पर गलबात करन जा रहे हैं। तुसी खबरां न्यूज़ चैनलों के उन्हों का नाम आम ही सुन रहे होवोगे, विकी थॉमस। विकी थॉमस जी जिन्हां दे बारे सुनने दे विच आ रहा कि वह कई धर्म तब्दील करके अज की घड़ी सिख धर्म दे विच जो उन्होंने सिख धर्म को अपनाया है, सिख धर्म दे विच आ के उन्हां वल्लों एक बाणा पहन के एक जो उन्होंने मीट जां मच्छी कुछ भी सेवन किया आ उहदे बारे काफ़ी विवाद चल रहा है। काफ़ी लोगों का कहना आ कि विकी थॉमस ने सिख मर्यादा के उल्ट सिख मर्यादा नूं भंग किया आ। जां कुछ लोगों का कहना आ जिवें विकी थॉमस जी के खुद के विचार ने कि वह तो गुरु गोबिंद सिंह जी के बाज ने, तो बाज मच्छी खा सकता आ जां इस सिख सिद्धांतां ते मतलब कोई मर्यादा भंग करन वाली गल नहीं है। मतलब बहुत सारे इदां दे विचार असी आम जो दिनां दे विच अजकल सुन रहे हां। ते की विकी थॉमस दे वल्लों कीता गया ये काम सचमुच ही सिखी सिद्धांतां दे विरोध दे विच है, सिखी मर्यादा नूं भंग करदा आ, जां फिर विकी थॉमस दे वल्लों दित्ते गए अपने विचार कि इस सिख मर्यादा नूं भंग करन वाली इस विच कोई गल नहीं है, इदां दे सवालां दे जवाब असीं इस वीडियो दे विच तुहानूं देण दी कोशिश करांगे। ये जवाब देण दे लई साडे चैनल ते अज जुड़ चुके ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो डॉक्टर कुलबीर जी। सत श्री अकाल डॉक्टर जी। सत श्री अकाल जी। सर जिवें मैं पहले ही दस चुकी हाँ कि यह मसला बड़ा विवादपूर्ण है, अज वक्ख वक्ख TV चैनलों तो वक्ख वक्ख आम लोगों तो इस मसले बारे वक्ख वक्ख विचार आ रहे हैं, तो असी तुहाडे तो जानना चाहांगे थोड़ा जिहा सिख सिद्धांत सिख इतिहास के नाल ला के तुसीं सानूं इस विषय बारे जानकारी दिओ कि सचमुच सिख इतिहास के जो विकी थॉमस जी खुद बयान दे रहे ने वह किन्ने क सही ने, ते जो अलग अलग TV चैनलों तो ज आम लोगों के विचार आ रहे ने वह किन्ने कित्थों तक वाजिब ने। देखो मैं विकी थॉमस से कोई निजी टिप्पणी करनी जरूरी या उस बंदे नूं मैं इन्ना समझदा नहीं कि उससे कोई निजी टिप्पणी की जाए। असीं देखते हाँ कदे तो वह एक LGBT कम्युनिटी के व्यक्ति धोखा दे के उन्होंने विआह करा लैंदा, कदे हिंदू बन जाता, कदे क्रिश्चन बन जाता, हुण वह सिख बन गया। सो उस बंदे ते निजी टिप्पणी करनी मैं कोई जरूरी नहीं समझूंगा, लेकिन असीं सिद्धांत जिहड़ा तुहाडा सिद्धांतक सवाल है कि सिख धर्म दे विच मांस खाना अलाउड है नहीं अलाउड है, जिहड़ा इहदा सानूं स्पष्टीकरण सिख इतिहास दे विच मिलदा है। असीं देखते हाँ कि गुरु हरगोबिंद साहब दे समय या गुरु गोबिंद सिंह दे समय या बाबा बंदा सिंह बहादुर दे समय इतिहासक जिहड़े शख्स ने यह मिलते हैं कि झटके की मर्यादा उत्थे हैगी आ। उस तो बाद असी जिहड़ी सिख धर्म की प्रेजेंट गुरमत मर्यादा नूं देखते हाँ तो मर्यादा दे विच भी ये पैरा बिल्कुल साफ है, क्लीयर है कि सिख लई जिहड़ी भाई असी सिख जिहड़ा है सिख झटका मास खाएगा उत्थे कुठे मास की मनाई है। कुठे मास का मतलब है को मारिया गया जिहड़े इस्लामिक परंपरा अनुसार जिहड़ा मीट तैयार किया जाए या इस्लामिक परंपरा बेसिकली कितों ड्राइव होंगी है, जिविश परंपरा तो ड्राइव होंगी है, जिहड़ा इब्राहिमिक फेथ सो जिहड़ा ट्रेडिशन है जिवें वो मार रहे ने मीट नूं को के मार रहे ने सिख लई उवें मनाई है। जे असी जिहड़ी मर्यादावां देखदे हां भाई देसा सिंह प्रहलाद सिंह चोपा सिंह मनी सिंह उहदे विच साफ साफ अंकित है कि सिर्फ सिख सिर्फ झटके का ही मास खाएगा। सो जिहड़ा सिख लई मास झटका मास अलाउड है
ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਫਲਾਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।